सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। दोस्तों नमस्ते, मैं तुषार, अपना ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर एक नया लेसन लेके। आशिकी मूवी है दोस्तों, पुरानी आशिकी, ओल्ड आशिकी, जिसके सब गाने फेमस है। और अब तेरे बिन गाने के तो कुमार सानुदा को तो फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला है। तो कॉर्ड से शुरुआत करते दोस्तों, ये गाना भी ग्रेट सानुदा ने गाया हुआ है और बहुत ही प्यारा गाना है, आपको तो 100% आता है। आसान से कॉर्ड्स, एकदम आसानी से मैं गाना आपको समझाता हूँ, आसान से कॉर्ड्स, कॉर्ड्स और आसान सा स्ट्रमिंग पैटर्न, एकदम आसान गाना है और आपको तो 100% आता ही है गाना, मुझे मालूम है। कॉर्ड से शुरुआत करते दोस्तों। देखो कॉर्ड्स में जी मेजर जिसके ऊपर गाना शुरू होता है, सी मेजर, एफ मेजर और ए शार्प मेजर, और इंपॉर्टेंट बात देखो, ओपन कॉर्ड, चारों के चारों ओपन कॉर्ड्स, चारों के चारों मेजर कॉर्ड्स। ओके, स्ट्रमिंग पैटर्न मैं बोला ना आसान सा है, डाउन डाउन अप डाउन अप, ये स्ट्रमिंग पैटर्न थ्रू आउट सॉन्ग है। तो जैसे मैं जी मेजर पकड़ता हूं, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, क्या कर रहा हूं मैं, पहला डाउन स्ट्रोक जो है वो बेस स्ट्रिंग पे, मतलब पांचवे और छठवे स्ट्रिंग पे, और बाकी के ट्रिपल स्ट्रिंग पे। कॉर्ड समझ गए, स्ट्रमिंग पैटर्न समझ गए, आसान सा गाना है दोस्तों, पक्का करते चलो शुरू करते। उसके सभी गाने अच्छे हैं, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अब तेरे बिन, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में, तू मेरी जिंदगी है, ओहो क्या गाने, आपने खाली नाम सुन के आप खुश हो गए ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जरूर आपके लिए अपलोड करूंगा और सीखना, जरूर सीखना, चलो शुरू करते। लेकिन आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अपना चैनल गिटार गाणी सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना, सिलेक्ट ऑल के साथ में, ऐसे ही कुछ अपडेट्स और हम नोटिफिकेशन आने के लिए मैं भेजता रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ, हर सैटरडे सुबह 8 बजे आपको गाना पक्का मिलेगा। ओके चलो शुरू करते जी मेजर से। दूरी है बिना
के लिए सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए आशिकी के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा गाना पेशेंस के साथ देखा, अच्छा लगा तो प्रैक्टिस जरूर करना घर में, अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट भी करना ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, और जाते जाते सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि उनको भी सीखने दो, क्योंकि नॉलेज शेयर करना चाहिए ना। ओके, चलो मिलते हैं अगले सैटरडे सुबह 8 बजे और एक नया लेसन लेके, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।